आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं, वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, MCQs भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैब केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे। या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। रिंग चेन चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन समावयवता, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, रिंग श्रृंखला आइसोमेरिज्म या समावयवता, वलय श्रृंखला शब्द लिखा गया, वलय श्रृंखला समावयवता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि रिंग के फॉर्म में वही कंपाउंड है जिसका अणुसूत्र ओपन चेन के कंपाउंड के फॉर्म में हो, मतलब अणुसूत्र समान हो परंतु वो दो तरह की संरचनाएं बनाता हो, ओपन चेन और क्लोज चेन। एक एग्जांपल देखें, ये मेरे पास है साइक्लोप्रोपेन, मतलब क्या हुआ, CH2 इस तरह से CH2, ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन को ओपन करेंगे तो ओपन चेन मिलेगा हमें, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, क्या CH3 CH double bond CH2। एक रिंग में एक DU होता है, DU मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यानी कि एक डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता, ठीक है। DU क्या होते हैं कि एक पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है अगर वो ओपन चेन हो तो, यानी कि एल्केन में से दो हाइड्रोजन कम हो या एल्केन में से H2 कम हो तो उसे उसकी DU कहा जाता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DU। इसके बारे में एक डिटेल क्लास लूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो इसकी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक DU होगा तो वो एक रिंग बना सकती है या एक जगह पे डबल बॉन्ड बना सकता है। DU अगर 2 होगा तो दो जगह पे डबल बॉन्ड बना सकती है या दो बार पाई बॉन्ड बना सकती है, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है। मान लेते हैं एक DU यदि कितना है, 1 है, तो क्या कर सकता है, एक जगह पे डबल बॉन्ड बना सकता है या वो रिंग बना सकती है, ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखते तो रिंग बना सकती है, ठीक है। एक रिंग पे कितना DU होता है, 1। या DU यदि 2 हो तो क्या होगा, दो बार डबल बॉन्ड बना सकती है या एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है, ठीक है, या दो रिंग बना सकती है या एक डबल बॉन्ड और एक क्या रिंग बना सकती है, इस तरह समझेंगे। तो हर एक जो बॉन्ड होता है, तो इसके डिटेल करूंगा मैं कभी, ऐसे ही बता रहा था मैं। तो सीधा सा मतलब है, DU का मतलब है ओपन चेन में पाई बॉन्ड की संख्या, ठीक है, या एल्केन से 2H की कमी, ठीक है। यहां पर देखें, इसमें एक DU है क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। अगर मैं इस अणु में हाइड्रोजन लगा दूं, H2 लगा दूं, तो सीधा सीधा एल्केन बन जाएगा, बोलो CH3 CH2 CH3, एक रिंग है, जितना कार्बन इसमें है उतना ही कार्बन ये है। तो चलो यहां पर बात करते हैं, रिंग जो है, एक रिंग है, उसका ओपन चेन क्या होगा, एल्कीन होगा, ये साइक्लोब्यूटीन है, इसका क्या होगा, CH3 CH2 CH double bond CH2,
ओपन रिंग, रिंग है ओपन चेन, ओपन चेन रिंग चेन के बीच में जब समानता उत्पन्न होती है तो इस समानता को हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखो डेफिनेशन मायने नहीं रखता, उसको समझना मायने रखता है, ठीक है। तो इस तरह से एक ही अणुसूत्र वाले दो कंपाउंड है परंतु उसकी संरचना क्या है, एक रिंग में है और एक ओपन चेन में, तो इस तरह की समानता को बोला जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बता देता हूं। लिखो, ये नहीं लिखना, अभी समझाने के लिए बस किया था इसको। क्या बोला मैंने, लिखो, जब समान अणुसूत्र वाले, जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में ओपन चेन तथा ओपन श्रृंखला, खुली श्रृंखला तथा बंद श्रृंखला के मध्य समावयवता पाई जाती है तो इसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, बात समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं टॉटोमेरिज्म, चल अवयवता, है ना, चल अवयवता टॉटोमेरिज्म होता क्या है वो समझेंगे। थोड़े स्टेप्स हैं और ये सब अलग अलग बातों को कहता है। फर्स्ट, यह एक विशेष प्रकार की समावयवता है, स्पेशल आइसोमेरिज्म है, यानी कि ये आइसोमेरिज्म नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि आइसोमेरिज्म है। दूसरी बात है, जिसमें उनके समावयवी आपस में साम्य में होते हैं, यानी इक्विलिब्रियम होते हैं। दो इसके आइसोमर्स होते हैं, ओनली दो आइसोमर्स होंगे और दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहता है, किसी एक को स्पेशल नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो दोनों। अगर एक को हटा दिया जाए दूसरा बन जाएगा, यानी कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इसमें, या रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फिर बात होता है कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी एक बहुसंयोजी मल्टीवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, मल्टीवेलेंट एटम से किसी दूसरे बहुसंयोजी परमाणु में स्थानांतरित होती है। बात समझेंगे मेरी बात है ठीक से। हाइड्रोजन परमाणु जो होता है एक एटम से दूसरे एटम में जाता है जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, तब इस प्रकार की समानता उत्पन्न होती है। इस टाइम पे उसके बॉन्ड में भी परिवर्तन हो जाता है, बंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। इस पूरे घटना को हम कहते हैं चलावयवता। सबसे पहले नीचे वाली बात सोचेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे ऊपर वाली बातों पे चलेंगे। एक एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यह हाइड्रोजन इसमें चला गया सी एन H। आपको पता है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, है ना, तीन पेयर में से तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन में से एक ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करा। अब इसको ध्यान से देखें, ये एक बहुसंयोजी परमाणु से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, से दूसरे बहुसंयोजी परमाणु में हाइड्रोजन स्थानांतरित हो गया, तब उसके बंध में भी परिवर्तन हो जाएंगे। देखें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसे देखें, अभी कैसा है, दो बॉन्ड तो बन सकती है पर तीसरा कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। देखें एक इलेक्ट्रॉन अपने इस जगह को खाली कर दिया, यहां पे आ गया, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेती है। अब देखो ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो देता है उसमें उसकी उसके साथ काउंटिंग होती है, जबकि दूसरे को मिलता है वो उसको काउंट कर लेता है। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया।
इस तरह से हुआ। ये एक दूसरे में परिवर्ती होता है, गतिक साम्य में होता है, मतलब ये कंपाउंड उस कंपाउंड में परिवर्तित होती है, वो वाला इसमें परिवर्तित होती रहती, मतलब दोनों चीजें होती है एक साथ, इसलिए बोला गया है गतिक साम्य में होता है। तो हमने समावयवता में क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे में परिवर्तित हो जाए, लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है, इसलिए इसको विशेष प्रकार की समावयवता कही गई, कोई समावयवता नहीं कही गई, आइसोमेरिज्म नहीं कहा गया इसको, ठीक है, पर आइसोमेरिज्म भी मानते हैं इसको, इसलिए इसको आइसोमेरिज्म के अंदर ही पढ़ते हैं। चलिए, और ये कोई रेजोनेंस नहीं है ना, अनुनाद नहीं है। अनुनाद में क्या होता था, जो परमाणु जहां पे वही है, यहां पे किसके साथ जुड़ा, देखो तो एच सी एन है, ये हाइड्रोजन साइनाइड, और ये क्या है, देखो तो एच एन सी, हाइड्रोजन साइनाइड है ये, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड के मध्य चलावयवता पाई जाती है, क्या पाई जाती है, टॉटोमेरिज्म पाई जाती है। एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, एच एन ओ टू में स्ट्रक्चर देखो, एच एन डबल बॉन्ड ओ, अब देखो ये नाइट्रोजन यहां चला जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, देखो तो स्ट्रक्चर एन ओ एच हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, क्या हुआ बोलो तो, बॉन्ड जो है चेंज हुआ, इसमें भी बॉन्ड चेंज हुआ था, ट्रिपल बॉन्ड था कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं, दो कोवेलेंट डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, अलग गया, बॉन्ड में चेंजेस आ गई, इसमें बॉन्ड में चेंज आ गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड खत्म हो गया, रिड्यूस हो गया, तो इस प्रकार से बंध भी परिवर्तित होती है। इसको ठीक से लिख देता हूं, थर्ड है कीटोन इनोन के मध्य, देखिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, ठीक है, ये कीटोन है, बोलो तो मैं बोलता हूं कीटो रूप या कीटो फॉर्म, कीटोन के रूप में है ये, होगा क्या, यहां का एक एच चला गया इस जगह पर और ये बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, क्यों, देखें सी एच थ्री सी ओ हो गया एच, डबल बॉन्ड कहां लग गया, यहां पर सी एच, फिर क्या हो गया सी एच थ्री, तो ये इनॉल कैसे, इसका नाम क्या है, देखो तो वन टू थ्री फोर, फोर के लिए होगा ब्यूट एन, ठीक है, टू ओन कीटोन है ना, इसका नाम क्या होगा, वन टू थ्री फोर, क्या नाम होगा, ब्यूट, बोलो टू इन, और उसी पर है ऑल, तो टू ऑल, टू इन ऑल भी लिख सकते हो, ठीक है, टू इन ऑल लिखना ठीक नहीं है, तो ये क्या चीज है, इन ऑल, इन ऑल, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इन ऑल फॉर्म। तो क्या देखने को मिला आपको, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो साइड वाला है, उसके बाद वाला जो एटम होता है, उस एटम को या उस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, उसके बाद वाले को बीटा कार्बन, तो इधर वाला भी अल्फा कार्बन है। अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं, पढ़ाया था क्या किसी दिन, हाँ पढ़ा दिया था ना, अल्फा बीटा गामा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ा दिया था मैं, तो ये हो गया। तो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो कहां जाता है, ऑक्सीजन में, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहां पे चली जाती है, इस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो कीटोन में क्या होगा, अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन रहेगा वो किस में आ जाएगा, ऑक्सीजन में आ गया, और ये जो डबल बॉन्ड था कहां चला गया, इस जगह पे आ गया, ठीक है, तो अल्फा कार्बन के पास आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन अपने स्थान को चेंज कर लेता है, तो हमने यहां पर परिभाषा लिखा है, हाइड्रोजन
परमाणु, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित हो रही है, लेकिन कैसे परमाणु में स्थानांतरित हो, जिसकी वैलेंसी दो या उससे ज्यादा है, तब इस प्रकार की जो घटना होती है इसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ये एक घटना है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें, ये आइसोमेरिज्म है और कौन सा चलावता आइसोमेरिज्म है, ठीक। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले YouTube में जा करके विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें, फिर अब आप YouTube बंद कर दीजिए, फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहां पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहां पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।